नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। अंबेडकर नगर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह किछौचा में दो कमेटियों के विवाद में मार पिटाई में हवाई फायरिंग हो गई। चंदे की पेटी रखने को लेकर इंतजामिया कमेटी और पीरजाद गाना कमेटी के बीच ये विवाद हुआ, जिसमें चार लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद तुरंत घायलों को अस्पताल भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दरगाह पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए विवाद काफी दिनों से चल रहा था। जालौन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले गांव में नौटंकी सजने लगी है। वोटरों को लुभाने के लिए अश्लील गानों पर डांस कराया जा रहा है। वहीं अश्लील गानों पर डांस की फरमाइश पर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंचे पुलिस। दोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के हिम्मतपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात के माती मुख्यालय में फायरिंग का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ, और फायरिंग करने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि जिले के कोषाधिकारी और फूड इंस्पेक्टर हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग जांच कर कार्रवाई की बात कह रहा है। बदायूं में बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर में कई लोग मामूली रूप से घायल हो गए। हादसे में जो कार है वो आग का गोला बन गई। मामूली रूप से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वजीरगंज थाना क्षेत्र के रहेरिया पुलिस चौकी के पास यह हादसा हुआ। पीलीभीत में पूर्व मंत्री भाजपा नेता पर अपनी सगी बहन के पेट्रोल पंप पर कब्जा करने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री भाजपा नेता विनोद तिवारी की बहन ने पीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले की शिकायत के बाद भाजपा संगठन में हड़कंप मच गया। थाना गजौला क्षेत्र के तिवारी फिलिंग स्टेशन का मामला। बुलंदशहर में इससे कुचलकर युवक की निर्मम तरीके से जान ले ली गई, लेकिन अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। एसपी सिटी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के राधा कृष्ण कुंज की घटना। उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक चार साल पूरे होने पर विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। विकास प्रदर्शनी भी की गई, उद्घाटन और जनसभा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सदर विधायक, बरखेड़ा विधायक, पूरनपुर विधायक, सीओ सिटी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाराबंकी में नवाबगंज तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार किया। कई बार एसोसिएशन ने भ्रष्टाचार की शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दो दिवसीय दौरे के दौरान मथुरा के गोवर्धन पहुंचे। गिरिराज धाम गोवर्धन पहुंचकर पूजा अर्चना की और बरसाना में राधा रानी मंदिर भी पहुंचकर श्री जी राधा रानी के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने महापंचायत में हिस्सा लिया। वहीं किसानों की महापंचायत में रालोद नेता जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में बियर शॉप में चोरी करते किशोर धरा गया। खिड़की की जाली तोड़कर दुकान में घुसा था चोर। सीसीटीवी की फुटेज में देखकर किशोर को पकड़ा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पुलिस चौकी ले गई। सेल्समैन का आरोप है कि करीब 6 बार चोरी हो चुकी है और कुल 21,000 रुपए की ये चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नगर कोतवाली के बिहारगंज बाजार की घटना बताई जा रही है। कानपुर में युवक के पैर बांधकर डंडों से पिटाई की गई है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घर में घुसे युवक को पकड़ने के बाद उसको पीटा गया। वहीं पुलिस के हवाले भी युवक को कर दिया गया है। बरा थाना क्षेत्र के गुजैनी की यह घटना। उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक चार साल पूरे करने को लेकर कार्यक्रम के दौरान मंच पर आसीन समस्त विधायक मोबाइल फोन पर व्यस्त दिखे। वहीं सीओ सिटी और एसडीएम सदर आपस में बातचीत करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। पीलीभीत के गांधी स्टेडियम स्थित गांधी प्रेक्षागृह का ही पूरा मामला। मैनपुरी की अलाऊ थाना क्षेत्र में बीते 48 घंटे पहले हुए 21 साल की युवती की हत्याकांड का एसपी मैनपुरी अविनाश पांडे ने घटना का सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस ने सिरफिरे शादीशुदा आशिक को गिरफ्तार किया। सिरफिरा आशिक युवती की शादी तय होने से नाराज था। प्रदेश सरकार के चार साल पूरे होने पर जिला प्रशासन द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सरकार के चार साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का प्रचार कर रहे हैं और आम जनमानस तक सरकार के कार्य को पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 महिला सहित 4 लोगों की जान चली गई। एक गंभीर रूप से घायल है। यहां पर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे के रघुपुरा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बिजनौर में काम में लापरवाही और मनमानी को लेकर एसपी ने महिला थाने में काफी समय से तैनात उप निरीक्षक मीनाक्षी गुप्ता को निलंबित कर दिया है। थाने में तैनात मीनाक्षी गुप्ता के खिलाफ पुलिस को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। सिंगरौली के बिजौली में स्थित अटल बिहारी
समुदाय भवन में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद गुरुवार को करीब 65 प्रधान आरक्षकों की परीक्षा आयोजित की गई। देर शाम जारी हुआ रिजल्ट और शत प्रतिशत बेहतर रहा। इसमें 5 ऐसे पुलिस के जवान हैं जिन्होंने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। एसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद आयोजित हुई परीक्षा से ये साबित हो गया है कि आरक्षक से प्रधान आरक्षक बने जवानों को बेहतर पुलिसिंग से दिक्कत नहीं होगी। और यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।